तो अगर आप पेट्रोल डाल डाल के केरोसिन डाल डाल के बाइकों को चलाएंगे तो ऑब्वियसली इस तरह की घटनाएं तो बाइक पे तो एटलीस्ट हीट होके हो सकती है। और ऐसा सीसीटीवी में भी है, एक दो लेडी डेथ हो चुकी है, एक मेरा खुद का 3 साल का बेटा था उसकी भी डेथ हो चुकी है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से पूछने आया अभी तक कोई, हम लोग मतलब बिल्कुल परेशान है। और फैमिली लॉस हो चुका है, जो टॉप फ्लोर पे 2 लेडीज चौक हुई हैं, वो तो अकेला बेटा रह गया है। एम्बुलेंस में मैं और मेरा कजन, हम एम्बुलेंस में लेके गए, वहाँ कह दिया कि यहाँ बेड खाली नहीं है, कि आप या तो ट्रॉमा सेंटर ले जाओ या एम्स ले जाओ। जनता की पार्टी है वो, आम जनता को मरने के लिए छोड़ा हुआ है उन्होंने, वो खुद सारी सेवाएं देके क्या दे रहे हम लोगों को, हमारा बच्चा हमारी आंखों के आगे चला गया। हमारे मिलकर इतना बुरा हाल था कि यूं मैंने कहा इसे स्पेशल वार्ड की जरूरत है, फिर 40-50% कह रहे थे, वो तड़प रही थी, उसको ऑक्सीजन नहीं आई, फिर कह रहे क्या कहते हैं बेड ही नहीं यहाँ पे, अभी 2 दिन एक आदमी पड़ा हुआ था, मर गया। नमस्कार, मैं हूँ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के शकरपुर इलाके में। अभी कुछ दिन पहले आपने हमारे चैनल पर एक खबर देखी होगी, जहाँ पर उस खबर में हमने आपको दिखाया था कि शकरपुर इलाके की एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी, जिस कारण काफ़ी लोग जो है उस बिल्डिंग से जान बचाने के लिए अपनी अपनी बालकनी से कूदने को मजबूर हुए थे। ऐसा ही एक शख्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो उसी बिल्डिंग में रहा करता था, इनका नाम कमल है। अब इनका ये कहना है कि वो जो पूरा हादसा हुआ था वो शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं, बल्कि उसी बिल्डिंग में रह रहे एक युवक की गलती की वजह से हुआ था। आखिरकार क्या है पूरा मामला, इन्हीं के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे। जी सर, आपका क्या कुछ कहना है? मैम, एक्चुअली मैं ही वो फैमिली हूँ जो वहाँ से सेकंड फ्लोर पे रहते थे हम लोग उस बिल्डिंग में, और जब हम लोग सो रहे थे, सो के उठे तो हमने वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश करी, जिसमें मेरी पूरी फैमिली स्टेयर्स से फैमिली रेस्क्यू करने की कोशिश करी, जिसमें मेरी वाइफ पूरी तरह बर्न हो गई, अराउंड 40% बर्न एंड स्टिल शी इज़ इन हॉस्पिटल। और जब हमें कहीं से निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची, ब्रेथलेस हो चुके थे, 2 छोटे बच्चे थे, तो मैं ही हूँ वो जिनको कहा जा रहा है कि ब्लैंकेट्स में लपेट के, पिलोज में लपेट के अपने बच्चों को नीचे फेंका। मैंने किसी तरह रेस्क्यू करने के लिए वाइफ को, बच्चों को ब्लैंकेट्स में, पिलोज में लपेट के नीचे निकाला, और उसके बाद मैं खुद जंप किया। नीचे कूदने के बाद वहाँ पर हम लोगों को हॉस्पिटल गया, काफ़ी दिन आईसीयू में रहने के बाद वहाँ तक तो हमें काफ़ी खबर नहीं थी, लेकिन जब मैं घर आया तो मुझे पता चला, न्यूज़ चैनल्स पे बताया जा रहा है कि वो शॉर्ट सर्किट था। अब जब मेरे पास वहाँ की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज आई तो मैंने उसमें देखा कि हमारी बिल्डिंग में ही सेकंड फ्लोर पे ऋतिक माथुर नाम का एक लड़का रहता था जो बाइक्स पे स्टंट करता है, उसके इंस्टाग्राम पर ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करने के लिए उसी की कई बाइक्स खड़ी थी पार्किंग में, अराउंड 4-5 बाइक्स वो मॉडिफाइड बाइक्स थी, उन्हीं में से किसी एक में शॉर्ट सर्किट हुआ है। और वो शॉर्ट सर्किट बाइक की मॉडिफाइड बाइक की जो शॉर्ट सर्किट था, वो बैटरी में शॉर्ट सर्किट हुआ है रात को 12:40 के करीब, और वो फिर उसकी टैंक में आग लगी और वो ब्लास्ट हुआ है जिससे आसपास बाइकों में लगा है। ये पूरा सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। और फिर ये आग पास में खड़ी बाइकों में लगी और फिर धीरे धीरे वो चार कारें थीं, वो चारों कारों में लगी और उसने फिर धीरे धीरे बहुत बहुत स्प्रेड हो गई। तो मेन रीज़न जो था वो बाइक है जिसमें उसने मॉडिफाई करा के वो बहुत भयंकर स्टंट्स करते हैं। अगर आप उनके इंस्टाग्राम पे देखें, टायरों में आग लगा के बाइक्स चलाना, पेट्रोल डाल के टायरों में बाइक, तो अगर आप पेट्रोल डाल डाल के केरोसिन डाल डाल के बाइकों को चलाएंगे तो ऑब्वियसली इस तरह की घटनाएं तो बाइक पे तो एटलीस्ट हीट होके हो सकती है। और ऐसा सीसीटीवी में भी है, और उनके इंस्टाग्राम से जो मैंने वीडियोस ली हैं, देखी हैं, उस पर भी है ये सब। आपने जो भी ये बात पता करी है, इसको पूरा पुलिस को बताया आपने या फिर कहीं बताने की कोशिश करी? ये सीसीटीवी की फुटेज हमने जो इस मामले की जाँच कर रहे हैं आईओ साहब, उनको फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं गया है ना। एटलीस्ट कम से कम उसको पूछताछ के लिए तो बुलाया जाए, कुछ तो एक ऐसा हो कि भाई उस बच्चे, हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो लड़का अभी भी इन्हीं मोहल्लों में, दूसरी जगह वो रेंट पे थे, टेनेंट थे, वो दूसरी जगह फ्लैट लेके अभी भी वो रात को, परसों मेरे छोटे बेटे ने देखा, वो स्टिल वो सेम तरह के स्टंट्स अभी भी परफॉर्म कर रहा है। तो आगे लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जाएगा, कम से कम मैं चाहता हूं कि लोग अवेयर हों कि वो तो बचें, हमारे साथ जो घटना हुई वो बेहद दुखद है, लेकिन फ्यूचर में और किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो। जो ये पूरी घटना हुई थी जिसने पूरी दिल्ली को एक तरीके से दहला के रख दिया था, आपकी बिल्डिंग में से कुल कितने लोग थे जो नहीं रहे? मैम, जो न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में बताया जा रहा है कि इंस्टेंट जो डेथ हुई थी वो एक लेडी की हुई थी, लेकिन उसके बाद इस खबर को मतलब कोई कैप्चर कोई करने ही नहीं आया। अभी तक उस बिल्डिंग में 3 लोगों की डेथ हो चुकी है, एक दो लेडी डेथ हो चुकी हैं, एक मेरा खुद का 3 साल का बेटा था उसकी भी डेथ हो चुकी है। अब तक 3 डेथ हो चुकी हैं। मेरी वाइफ अभी भी बर्न केस में अभी तक लास्ट 20 डेज से हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन ना प्रशासन की तरफ से कोई पूछने आया, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से पूछने आया अभी तक कोई, हम लोग मतलब बिल्कुल परेशान हैं और अकेले लड़ रहे हैं इसको।
तो आप लोगों के लिए उस वक्त कितनी ज़्यादा मुश्किल हुई होगी जब ये आके घटना हुई, कैसे आप लोग निकले, कैसे आपने सब करा? मैम जब हमने एक बार नीचे जाने की कोशिश करी, क्योंकि रात को 1 बजे से बाद का टाइम था आई थिंक, तो नीचे जाने की कोशिश करी तो इतनी ज़्यादा हीट वेव्स आ रही थी, मेरी वाइफ आगे थी, मैंने बच्चों को पकड़ रखा था तो वो बर्न हो गई। फिर हम अंदर आए वापस, उसके बाद हमने ब्लैंकेट्स वगैरह की ढूंढे ढांडे, दिख कुछ नहीं रहा था, विजिबिलिटी ज़ीरो थी, पूरे घर में बिल्कुल काला था। तो हमने कोशिश करी, जो हाथ में आया ब्लैंकेट्स ब्लैंकेट उसको लेके फिर हम अगली बार दोबारा ऊपर निकले कि शायद टेरेस से निकल सके, लेकिन हीट और धुआं इतना ज़्यादा था कि हम स्टेयर्स पे, मैं स्टेयर्स पे गिर पड़ा हीट वेव से। फिर हम वापस भागे और फिर हमने घर में देखा, फिर एक समय तो ऐसा आया कि मैंने अपने बच्चों को और वाइफ को पकड़ के बेड पर बैठा लिया, दिख रहा नहीं था, और मैंने कहा कि अब नीचे, क्योंकि तारों में आग लगी थी, करंट इतना मतलब आगे दिख रही थी, आप लोगों ने भी वीडियोज़ में देखा होगा, तो नीचे देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, लोग दूर खड़े हुए थे, चिल्ला रहे थे, तो मैंने उन सबको पकड़ के बेड पे बैठा लिया कि कम से कम आज हम चारों एक साथ मरेंगे, और हम बैठ गए। फिर हिम्मत बांध के हमने सोचा कि कैसे बचें, फिर हमने कहा कि कूदना ही एकमात्र रास्ता है। तो इतना सुनते ही दिख, बच्चा भी नहीं दिख रहा था मेरा छोटा, जो 11-12 साल का बेटा है, उसने कहा पापा कूदते हैं, कोई तो बचेगा। उसने, मैंने कहा ठीक है, कुछ ढूंढ ब्लैंकेट पिलो, कुछ हाथ आएंगे, दिख वो मुझे दिख नहीं रहा था, और इतना कहने पर वो कह रहा है कि मैं ब्लैंकेट लेके कूदाऊँ। वो सेकंड फ्लोर से कूद गया, हम चिल्लाते रहे शौर रहे, कुछ मिला, लेकिन हमें रिस्पांस नहीं मिला, तो हम समझ गए कि वो कूद चुका है। उसके बाद मैंने अपने दूसरे बेटे को, मैंने ढूंढा मेरे हाथ में जो पिलोज आई, मैंने छोटे 3 साल के बच्चे को एक पिलो पे लिटाया, फिर ढूंढा एक पिलो और हाथ आई, मैंने उसके ऊपर पिलो रखी, फिर ढूंढा एक ब्लैंकेट हाथ आया, मैंने ब्लैंकेट्स में उसको लपेटा अच्छे से, और नीचे देखा तो करंट की तारें जल रही थी। मैंने कहा कहाँ करूँ, कैसे करूँ, मैंने उसको बड़ी कोशिश करके थोड़ा दूर फेंका कि वो किसी तरह तारों करंट से बच जाए, क्योंकि उस बालकनी पे मुझे अभी अपनी वाइफ को भी चढ़ाना था। घर में प्लास्टर्स टूटने की आवाज़ आ रही थी, हीट आने लगी थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उसको, 3 साल के बच्चे को छोड़ा, उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को बालकनी में चढ़ाया, वो जंप करी, उसके बाद मैंने खुद चढ़ा और मैं जंप करा। नीचे कूदने के बाद हमें लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ले जाया गया एम्बुलेंस के द्वारा, वहाँ भी हमारे को कोई टेक केयर नहीं, हम ज़मीनों पर पड़े हुए थे, कोई हमें उठा के ऊपर बेड तक पे भी नहीं लिटा रहा था। वो तो हमारे, मैंने रिलेटिव्स को, एक को किसी से कहा कि भाई मेरे उनको बुलवा दो, जो ये लोग थे ये आ गए और इन्होंने सबको बुलवा के फिर हमें तुरंत वहाँ से MLC लेके अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ICU में रहा मैं 4-5 दिन ICU में रहा मैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री से मुझे भी MLC मिला, हम सबको MLC मिला। हम सब वहाँ से दीपक कैलाश हॉस्पिटल में ICU में गए, तीन लोग एक ही हॉस्पिटल के ICU में स्ट्रगल करे, ऑक्सीजन पे रहे 4-5 दिन। मेरा 3 साल का बच्चा 4 दिन ऑक्सीजन पे रहा, उसकी ब्रेन सर्जरी हुई, उसके बाद इन लोगों ने मना कर दिया, पूरी दिल्ली के कई हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया, और वो फिर अपनी ज़िंदगी की जंग हार गया 3 साल का। उसके बाद बड़ा वाला बेटा 2-3 दिन ऑक्सीजन पे रहा ICU में, और उसके बाद वो भी अपनी लाइफ उसकी सेफ हो गई और वो बच के आया। उसके बाद मेरे नीज़ की सर्जरी हुई, यहाँ प्लेट्स डली और रॉड्स डली जो स्क्रू डले, उसके बाद मैं ICU से बाहर आके अब डिस्चार्ज होके घर आया हूँ। मेरी वाइफ 40% बर्न है, उसके हैंड्स फेस लेग्स बर्न है, वो अभी भी हॉस्पिटल में जंग लड़ रही है, फाइट कर रही है, ICU से बाहर आ गई है लेकिन अभी भी वो बहुत फाइट कर रही है, बहुत स्ट्रगल और बहुत पेन में है, लेकिन अभी तक हमें कोई पूछने वाला नहीं आया, लोगों को लग रहा है सिर्फ एक, लेकिन वहाँ हमारे साथ जो मेरा परिवार पूरा डिस्ट्रॉय हो गया उसे पूछने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ एक बंदे की गलती जिसका खामियाजा, उस पूरी बिल्डिंग खाली हो गई, सब लोग होमलेस हो चुके हैं, उस बिल्डिंग के फैमिली लॉस हो चुका है, जो टॉप फ्लोर पे 2 लेडीज चौक हुई हैं वो तो अकेला बेटा रह गया है, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई, वो भी मेरे साथ टच में है। उन लोगों ने भी अपनी जान ऐसे कूद कर ही बचाई थी? नहीं, वो 4th फ्लोर पे थे तो वो कूदना से डर गए, क्योंकि अराउंड 55-57 एज की लेडीज थी और बेटा था, तो वो मम्मी पापा के, मम्मी बुआ के बिना कैसे करता, उनको बचाने के लिए उन्होंने फायर ब्रिगेड का वेट करना समझा, और जब तक फायर ब्रिगेड आई तब तक वो 2 लेडीज़ की डेथ हो गई, एक वहीं इंस्टेंटली, दूसरी को हॉस्पिटल RML में डेथ हो गई, पूरी वोकल कॉर्ड सब खराब हो गया, लंग्स वगैरह, और बेटा बेहोश हो चुका था, क्योंकि वो अभी 24-25 साल का एक यंग एज का लड़का है, तो शायद उसकी किस्मत थी कि वो अनकॉन्शियस था हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल में 3 दिन ICU में रहा और वो अब थोड़ा नॉर्मल है, वो डिस्चार्ज हो गया है। आप उनकी बहन है जो भी अस्पताल में, इनकी वाइफ की, आपने क्या कुछ देखा था? मैं एक्चुअली, मेरे पास फ़ोन आया था मेरे ब्रदर इन लॉ का, तो फिर मैं 1:20 पे आया था मेरे घर पे, रात को 13 में मैं अपने हस्बैंड के साथ आई यहाँ पर, तो यहाँ फायर ब्रिगेड तब आनी शुरू हुई थी, ये तो कूद चुके थे लोग। फिर उसको, फिर हम लाल बहादुर शास्त्री ले गई मैं एम्बुलेंस में,
और वहाँ से कहा कि वो रेफ़र कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में ले जाइए। तो फिर मैं सफदरजंग में उसको एम्बुलेंस में, मैं और मेरा कज़न, हम एम्बुलेंस में लेके गए। वहाँ कह दिया कि यहाँ बेड खाली नहीं है, कि आप या तो ट्रॉमा सेंटर ले जाओ या एम्स ले जाओ। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसे हालत। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी कि दीपक कैलाश में ले आते हैं। फिर चारों को उस समय तो कैलाश दीपक में लिया, लेकिन उन्होंने मेरी सिस्टर का केस नहीं लिया, क्योंकि वो बर्न का था ना, कई लोग हॉस्पिटल्स लेते नहीं हैं। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ आरएमएल में है ना, बर्न का है तो वहाँ ले जाते हैं। लेकिन इतना गंदा माहौल, मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए अपने, जो कहते हैं केजरीवाल जो दावे करता है कि बहुत अच्छे हैं हॉस्पिटल, मतलब वहाँ पे पेशेंट ऐसे पड़े हुए होते हैं। और डॉक्टर इवन मुझे यूँ कह रहे थे कि यहाँ है ही नहीं बनवाड में जगह, यहाँ दो केजरीवाल जी आए ना मेरे से बात करें, मैं उन्हें बताऊंगी कि दिल्ली में क्या चीज़ की उन्होंने करा हुआ है। आम इंसान, वो आम जनता की पार्टी है, वो आम जनता को मरने के लिए छोड़ा हुआ है उन्होंने। वो खुद सारी सेवाएं देके क्या दे रहे हैं हम लोगों को, हमारा बच्चा हमारी आंखों के आगे चला गया, मेरी बहन वहाँ पे तड़पती रही, चाहे अगर प्राइवेट में अगर कोई ना कर सके। ये दिल्ली की सरकार का ये हाल है कि वहाँ पे आम जनता इतनी तड़प तड़प के हम लोग कुछ नहीं कर पाए। कहाँ थे हमारे मंत्री, यहाँ पे बीजेपी के नेता हैं। मैं चाहती हूँ ना, मैं देखूंगी ना, मैं मेरा घर अक चीज के जाए, मैं यहाँ के मेरा इंसाफ की जगह ना, मैं अपने भांजे के लिए, मेरा बच्चा था वो, मैं कहाँ कहाँ तक जाना पड़े, चाहे किसी कोई से भी थाने देखती हूँ ना, कौन पुलिस वाला साथ नहीं देते या कितने लोग मिले हुए हैं। मैं मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। कौन से यहाँ के काउंसिलर है, कौन से यहाँ के एम एल ए, मैं सबसे चीज़ों के लिए, जो लोग खाली वोट मांगने के लिए दर दर भी मांगते हैं, वो लोग आज एक भी नहीं आया चल के। ये मेरे दुख की चीज की है। मैं देखूंगी ना यहाँ का कौन सा एम एल ए, मैं सबको सब कहाँ भी मुझे जाना पड़े किसी से इंसाफ के लिए। आरएमएल का इतना बुरा हाल था कि यूँ मैंने कहा इसे स्पेशल वार्ड की जरूरत है, 50% 40-50% कह रहे थे, वो तड़प रही थी, उसको ऑक्सीजन यही है। फिर कह रहे क्या कहते हैं, जब बेड ही नहीं यहाँ पे, अभी दो दिन एक आदमी पड़ा हुआ था मर गया, ऐसे बोल मेरे को बोला उन्होंने लिटरली, बेड है ही नहीं। और फिर उसके बाद कहते हैं अब इसे वहाँ ले जाओ फ्रैक्चर में, जो बंदा हिल नहीं सकता उसको कह रहे फ्रैक्चर करा के आओ, आधा आधा किलोमीटर दूसरी बिल्डिंग्स हम स्ट्रेचर में खींच रहे। हम सुबह 4:30 बजे आरएमएल पहुँचे, मैं और मेरा कज़न और उसकी वाइफ, और हम भी स्ट्रेचर से लिफ्ट में नीचे उतारे। फिर कह रहे अब वहाँ ले जाओ, अब अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, आप इसका ECG क्यों नहीं करा के लाए, आप ये हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर उसके बाद फिर बंद में भेज दिया। हमने थोड़ी अपने अप्रोच भी लगाने की कोशिश करी, किसी ने कुछ नहीं सुना कि इसे यहाँ एडमिट कर लो। वहीं वो जो जिनकी डेथ हुई है वो भी वहीं एडमिट थी, उनके रिलेटिव मुझे मिले। और उसके बाद पट्टियाँ करके कहते 5 दिन की पट्टी कर दी, अब इसे वापस ले जाओ। हम वहाँ लेके गए, उसको सांस नहीं आ रही थी, उसके में वोकल में प्रॉब्लम थी। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ पुष्पांजलि में, मैंने उससे बात करी, तो हमने प्राइवेट कराया, चाहे हमारे सब कुछ तो खत्म हो चुका है, कुछ बचा ही क्या है, तो वो तो हमारी मजबूरी है, हमें प्राइवेट में कराना पड़ रहा है। फिर उसके बाद सुबह 4:30 बजे के बाद शाम को 5:30 शाम के इवनिंग में 4:30 बजे कहते हैं अब औरतों को दिखा के आओ आरएमएल वाले, और सुन कुछ नहीं रहे, बैठे हुए आराम से। और क्या कहते हैं, फिर मैं मेरी कज़न हम नीचे लेकर आए, फिर दोबारा फिर हम उसने कहा दीदी यहाँ से ले जाओ, मर जाएंगी। 40% बर्न को कह रहे हैं कि अपने आप उठेंगी, अपने आप करेंगी, ये हम ये कह रहे हैं, ये जिनको शपथ दिलाई जाती है कि आपको इन लोगों की सेवा करनी है, वो उन लोगों के लिए आम आदमी आम ही है, हम जैसे आदमी कीड़े मकोड़े हैं उन लोगों के लिए। बस नेताओं को हम जब याद आते हैं, जब हमें उनको वोट चाहिए होते हैं, जब वो हमारे आगे हाथ जोड़कर आते हैं, वो हमसे भीख मांगते हैं उस समय, और फिर वो हमें भिखारी बना के छोड़ते हैं। कहाँ है इस एरिया का कौन सा काउंसिलर है, कौन सा एमएलए है, कहाँ है सारे? इतना बड़ा केस हुआ है, दूर दूर तक हमारे बाहर से दूसरे जो और स्टेट्स में लोग रहते हैं वो फोन करके कॉल कर रहे हैं। यहाँ के नेताओं की एक की नींद नहीं खुली, एक देखने तक भी किसी को नहीं हुआ कि किसी का हंसता कूदता खेलता हुआ पूरा परिवार उजड़ गया। मेरी बहन इतने 20 दिन से हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, किसी को चीजों के लिए चीजों के नहीं आए। खाली क्या है, कौन सी सरकार है, किसको कोई वोट दे, कौन है ये, हम अपने देश में ही अपने को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। आज हमें शर्म आ रही है कि वाकई हम लोग पढ़े लिखे होके, हम लोग टीचर्स हैं, मेरी बहन भी टीचर है, हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ये हमारे स्टूडेंट्स आगे जाके इस तरीके के बच्चे बनते हैं, या जो जिनमें इंसानियत या कोसों दूर है, या ये शपथ इंसानियत मरने की लेते हैं ये लोग कि हमारी इंसानियत मर चुकी है, और हम तुम्हें एक बार जीतने के बाद तुम लोगों को एक एक चीज़ के लिए वो कर देंगे। कहाँ है हमारी देश की वो चीज़ों के लिए, हम लोग तरस रहे हैं कि चीज़ों के लिए कोई सहानुभूति हमें नहीं चाहिए, पर कम से कम ये तो लगे। क्या बोलते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ के जिस शहर में हम रहते हैं, जिस सिटी में हम रहते हैं, या किसी के भी एक बार भी ये नहीं हुए, किसी के कान नहीं जागे, कहे वो दिल्ली सरकार इतना बड़ा वो हुआ है, जो कहते हैं क्या बोलते हैं आप दिल्ली के इस हॉस्पिटल देखिए, सरकार तो उस समय छठ पूजा में लगी हुई थी,
उन्हें तो अपनी छत की चिंता हो रही थी ना, बिहार को कुछ करना था उन्हें, और मतलब कोई मतलब नहीं। फिर लास्ट में 4:30 बजे MLL में इवनिंग में मैं और मेरी कज़न ने डिसाइड करा, हम यहीं से वैन करके मैंने अपनी सिस्टर लोगों को पुष्पांजलि में करा कि तू बेड तैयार कर, हम वहाँ से लेकर सीधे पुष्पांजलि में आ गए। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि जो भी पीड़ित उस बिल्डिंग में उस वक्त मौजूद थे उनसे हमने बात करी, पूरी कहानी आप लोगों को सुनवाई। इनका ये कहना है कि एक शख्स जिसके कारण ये पूरी आग की घटना लगी है, लेकिन उस शख्स के खिलाफ अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। तो इनकी यही मांग है कि उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो जल्द से जल्द, ताकि जो भी ये बड़ी घटना उस दिन घटित हुई है, इतने लोग उस घटना में मरे हैं, उन लोगों को इंसाफ मिल सके। अब आपकी इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ राय है हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन अवनीश राणा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।